और आप देखेंगे कुछ नया बनते हुए। वाह 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 वाह, मजा आ गया। हे गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल टू सिस्टर्स चैलेंज। तो गाइस आप देख सकते हो कितना डिलीशियस फूड है आज मेरे टेबल पे, और मैंने ले रखा है सेजवान फ्राइड राइस, और इसके साथ में मैंने लिया है नारियल वड़ा जो मैं खाने वाली हूँ ये दही के साथ में, और ये फ्राइड राइस मैं खाने वाली हूँ ये पनीर ग्रेवी के साथ में। देख सकते हो कितना डिलीशियस है यार। और साथ में मैंने लिया है ये हमारे ब्रेड कटलेट है, आई मीन्स ये क्रंची कटलेट्स हैं। एंड हमारे पास में और है आज के दिन वेज पैटीज, बहुत क्रंची दिख रहा है ये, बहुत मजा आने वाला है इसको खाने में। और गाइस अगर नोटिस करेंगे तो ये है आलू पैटीज, बट मैंने इसके साथ बर्गर नहीं लिया है आज, मैंने इसके साथ लिया है पाव, तो कुछ नया ट्राई करेंगे। और साथ ही साथ में मैंने लिया है ये चाइनीज समोसे एंड चटनी, आप देख सकते हो कितना सही दिख रहा है जो मैं खाने वाली हूँ ये वेज पैटीज के साथ में। और साथ में लिया है ये कोल्ड ड्रिंक, और एंड में हम क्या खाते हैं गाइस, ऑब्वियसली डेजर्ट, तो मैंने लिया है गुलाब जामुन, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है इसलिए मैंने आज इसे भी ले लिया है। तो गाइस इतने सारे डिलीशियस फूड का आज मैं करने वाली हूँ मुकबैंग, तो भाई बहुत अब देरी तो नहीं करनी चाहिए बिकॉज इतना अच्छा खाना सामने हो तो भाई भूख तो लग जाती है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं करने वाली हूँ स्टार्ट ये पैटीज के साथ में जो मुझे बहुत ज्यादा डिलीशियस दिख रहा है, तो पहली चीज अच्छी खानी चाहिए हमेशा, देख सकते हो। अरे हाय, पहले तो मैं इसके मिर्च चटनी के साथ ट्राई करूंगी। वाह 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 वाह, मजा आ गया। और मैं थोड़ा सा ग्रेवी के साथ भी खाऊंगी बिकॉज थोड़ा सा नया ट्राई करना है मुझे। गाइस दोनों अपने अपने जगह पे बहुत टेस्टी था, बट मुझे मिंट चटनी काफी डिलीशियस लगी। अब मैं खाने वाली हूँ चाइनीज समोसे, अब देख लेते हैं इसके अंदर फिलिप्स में क्या क्या है, मैं आपको भी दिखाऊंगी ये। ओहो, इसमें वेजीज है नॉर्मली, थोड़ा दही के साथ खाते हैं बिकॉज ऑलवेज ऑलवेज समोसा ना दही के साथ भी काफी अच्छे लगते हैं, तो अब देखते हैं ये कैसा लगता है। अगर ना डिफरेंट टाइप के सॉसेस अवेलेबल हो ना तो यार फूड में फूड का मजा अलग हो जाता है, तो आज के दिन मुझे काफी मजा आ रहा है खाने में। अब मैं ट्राई करने वाली हूँ नारियल वड़ा, काफी डिफरेंट है बिकॉज अभी तक मैंने कभी इसे ट्राई नहीं करा है। इसके बीच में इन्होंने ना नारियल का फिलिप्स डाला हुआ है, तो मैं इसे पहले ट्राई करने वाली हूँ दही के साथ में, फिर मैं बताती हूँ कैसा टेस्ट कर रहा है आज।
गाइज इसका ना टेस्ट काफी ऑथेंटिक है बिकॉज इट्स काइंड ऑफ अ मोदक. इसके अंदर ना मोदक सॉरी नारियल एंड काजू फिलप्स थे, तो ये दही के साथ ज्यादा मजा आ रहा खाने में. अब मैं इसे थोड़ा सा चाइनीज डिश बनाऊंगी बिकॉज मैं ग्रेवी से ट्राई करूंगी. दही से ज्यादा टेस्टी था बिकॉज इसको खा के ना मोदक की याद आ रही है, तो फिर क्यों ना मोदक का टेस्ट ले ले. तो यार इसका फिलिप्स काफी सही दिख रहा है एकदम. तो मैं इसे मिंट चटनी से खाऊंगी बिकॉज कटलेस ऑलवेज टेस्ट वेरी गुड विद दिस. काफी डिलीशियस था यार ये कटलेट, बट थोड़ा सा च्यूइंग करने में प्रॉब्लम हो रही, काफी थोड़ा टाइट भी है बिकॉज क्रंची काफी है. अब मैं ट्राई करने वाली हूँ आलू पैटीज विथ वड़ा सॉरी पाव. अब आप देखेंगे कुछ नया बनते हुए. नॉर्मली तो हम बर्गर में डालते हैं पैटीज को, आज मैं पाव के साथ खाऊंगी और आपको बताऊंगी कि पाव के साथ कैसा लगता है. ऑलमोस्ट मैंने सब टेस्ट कर लिया है. अब मुझे खाना है मेरा फेवरेट वेज सेजवान फ्राइड राइस. तो ये मैं ग्रेवी से खाने वाली थी, यहाँ पे तो खत्म हो गई, तो मैंने एक्स्ट्रा ले रखा है. तो अब चलिए इसे टेस्ट कर लेते हैं ग्रेवी के साथ में कैसा लगता है. वाह 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 वाह, स्मेल बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहा है यार.
स्मेल से ही लग रहा है, फटाफट से खा लूं। बस बोलना एक बार इसके पेड़ भाई कैमरा से छोड़ दे, फटाफट खाते जाओ। गाइज मैं राइस को यहाँ पे एंड कर रही हूँ खाना, बिकॉज मुझे ना डेजर्ट भी ट्राई करना है। अगर थोड़ा और भी खा लिया है ना ऑब्वियसली ये मैं खा नहीं सकती फिर। फाइनली ऑन गुलाब जामुन। बहुत सॉफ्ट है यार ये तो। तो गाइज आगे बढ़ने से पहले मैं चाहती हूँ कि आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ ले जो मेरे लेटेस्ट के वीडियोस पे आए हैं। मी एंड माय सिस्टर आईडी नेम, प्लीज रीड माय कमेंट दीदी प्लीज, आई एम योर बिग फैन, आई लव योर वीडियोस वेरी मच एंड ऑल्सो आई वेट फॉर योर वीडियोस, आई लव यू टू दीदीज एंड आई एम द फर्स्ट कॉमेंटर। थैंक यू सो मच यार इतना प्यारा कॉमेंट करने के लिए एंड वी लव यू टू। यारा हबीब, एक्चुअली ये थोड़ा सा बंगाली लैंग्वेज में इन्होंने कमेंट किया बट इन्होंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं। मुचा स्वाई यार दीदी दीजक इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड सॉरी बट मैंने आपका नाम लिया, थैंक यू फॉर कमेंट। मनीषा सीरोटे दी आप बहुत ब्यूटीफुल एंड स्वीट हो, थैंक यू यार थैंक यू, इतना प्यारा कमेंट किया आपने। असलम अंसारी आप लोग अपना न्यू चैनल क्यों नहीं बनाते हो जिस पे आप लोग व्लॉग होम टूर एंड भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड करो प्लीज दीदी प्लीज, मेरा एक सवाल आप अगले वीडियो में लेना प्लीज प्लीज। फाइनली मैंने ले लिया है और वी आर प्लानिंग कि हम भी एक नया चैनल ओपन करें जहाँ पे हम तीनों सिस्टर्स थोड़े से व्लॉग और होम टूर जरूर करें, तो हम कर सोच रहे हैं और हम डेफिनेटली एक चैनल और बनाएंगे और आप सब्सक्राइब जरूर कर देना उस पे भी जाके। दीपक एक भी डिश फिनिश नहीं करती हो तो लेती क्यों हूँ इतना, यार ऐसा जरूरी नहीं है, हम खाते हैं और यार बहुत वैरायटीज के फूड होते हैं तो यार थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है लेकिन हम जितना खा सकते हैं उतना खा लेते हैं तो ये बाद में हम देख लेते हैं इसका भी। सो गाइज इतना ही और यार ये फूड अब जा नहीं पाएगा, इधर पे मैं वीडियो एंड करने वाली हूँ और ये जो भी है वेस्ट नहीं होगा, ये हम बाद में ख़त्म कर देंगे। तो गाइज आई होप कि आपको ये पूरी वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो गाइज आप कॉमेंट ज़रूर करें बिकॉज जो भी आप कॉमेंट करते हो उसे अच्छे बुरे जो भी रहता है उससे हमें काफ़ी सीख मिलती है, तो प्लीज़ कमेंट करते रहिएगा और आप चाहो तो कोई भी मुकबैंग से रिलेटेड सजेशंस भी हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। मैं जा रही हूँ, सो थैंक यू धन्यवाद एंड बाय बाय।